नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मिश्रा हाउस टेक पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो लेंटर का जीना होता है उसको चढ़ाने के लिए आपको पैमाइश किस तरह से करनी है, गाटर और प्लेटों की शटरिंग जो है वो आपने किस तरह से करनी है। तो आइए हम प्रैक्टिकल के थ्रू जानते हैं कि हमने जो स्टेप वाला जो लेंटर वाला जीना होता है वो चढ़ाने के लिए पैमाइश किस तरह से करनी है, गाटरों की सेटिंग कहाँ करनी है। तो दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ये आपकी दीवार की हाइट है 12 फिट, ये आप देख सकते हैं ये 12 फिट हाइट हो चुकी है, ये आपके नीचे डोर लेवल से। तो हमने 12 फुट ऊंचाई को जो है वो 12 से गुणा कर देना है। 12 से हमने इसलिए गुणा करना है, इसको इंचों में कन्वर्ट करना है, 12 फुट हाइट को इंचों में देखना है। तो एक फुट में 12 इंच होते हैं, तो हमने 12 फुट हाइट को 12 से गुणा कर दिया है। अगर जो आपकी हाइट 11 फुट है तो 11 को भी 12 से गुणा करेंगे, 10 फुट हाइट है तो 10 फुट को भी हम 12 इंची से ही गुणा करेंगे। तो 12 से हमने 12 को गुणा किया तो हमारा 144 इंची आता है। तो 144 से हम 144 जो है उसको हमने 8 से भाग देना है। 8 से हमने इसलिए भाग दिया क्योंकि ये जो हमारी आप जीने की ऊंचाई देख रहे हैं ना, ये वाली, ये हमने 8 इंची के लिए, अगर जो आपने 7 की बनानी है तो आप 7 से भाग दे सकते हैं, और अगर जो आपने 6 इंची का स्टेप बनाना है तो 6 इंची से भाग दे सकते हैं। तो हमने 8 से जब भाग दिया 144 को तो हमारे ये 18 स्टेप बनते हैं दोस्तों। यहाँ ऊपर से लेके और यहाँ नीचे तक हमारे 18 स्टेप बनेंगे 8 इंची के हिसाब से। आप अगर जो नहीं जानकारी आप समझ पाते हैं तो आप नीचे से इंची टेप लीजिए या झाड़ू की एक 8 इंची की सीख लीजिए और 8-8 इंची के यहाँ पर जो है वो निशान लगाते चले जाइए, तो आपके जितने स्टेप बनेंगे वो यहाँ ऊपर टॉप तक आ जाएंगे। उसके बाद हमारे जब ये 18 स्टेप तैयार हो जाते हैं तो सीढ़ियों को चढ़ाने के लिए हमको यहाँ से यहाँ तक 180 इंची जगह चाहिए 18 स्टेप के लिए। ये जो ये स्टेप होता है ये 10 इंची का होता है, ये जो आप ये देख रहे हैं। तो आपने 180 इंची जगह लेनी है और आपने 3-4 इंच जगह एक्स्ट्रा लेनी है स्लेप वाले जीने के लिए। स्टेप वाले जीने में एक्स्ट्रा नहीं लेनी पड़ती, बट आपको स्लेप वाले जीने में एक्स्ट्रा लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप 183 या 84 इंच जगह नाप लो यहाँ तक, तो आपको 3 स्टेप तैयार करने हैं पूरे भरे हुए ऐसे ईंटों के पूरे, और आगे ये 4-5 इंची बढ़ा होना चाहिए। फिर उस आपने जब इस तरह से पूरा स्टेप भर के बना लिया है तो यहाँ आगे आपने शटरिंग में एक 6 इंची की या 5 इंच की प्लेट लगानी है सीधी बिल्कुल स्टेप के बराबर, जो ऊपर का आपका स्टेप है उसके आगे आपने गाटरों को लगाना है। तो ये देख सकते हैं ये जो मैंने ये कॉलम किया हुआ है, ये जो है ये बजरी का निशान है, ये हमारा बजरी का लेंटर लगा हुआ है, ये हमारी नीचे प्लेट है। तो आपने इसी हिसाब से 6 इंच की एक प्लेट लगा के गाटर की शटरिंग कर देनी है और इस पर बजरी लगा देनी है। अब आप देख सकते हैं ये हमारे यहाँ से ऊपर तक के 18 स्टेप रेडी हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको जो सेल्फ वाला जीना है वो चढ़ाना है। दोस्तों, अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो वीडियोज़ आती हैं उसके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं।